दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आ गई है। काफ़ी सारे लोगों के मन में दो ही सवाल थे बहुत ही लंबे टाइम से। एक तो सवाल ये था कि टीम केकेआर की टिकट्स कब अवेलेबल होने वाली है, तो उसके ऊपर दोस्तों कोई अपडेट किसी भी साइट के ऊपर अभी तक निकल कर नहीं आया है। बट वी बिलीव कि यहाँ पर 12 या 13 मार्च से आपको बुक कर पाओगे आप, खासतौर पर टीम केकेआर के होम ग्राउंड के मैचेस। अवे मैचेस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बट ईडन गार्डन्स आप यहाँ पर बुक कर पाओगे। बट यहाँ पर जो दूसरा सवाल था ना, उसके लिए काफ़ी लोगों को वेट था, और वेट की अगर बात करें ना तो टीम केकेआर की जर्सी के ऊपर बहुत बड़ी बात निकल कर आ गई है, ब्रेकिंग अपडेट निकल कर आ गई है। दरअसल दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल है ना वो बचा हुआ है। अब रणजी ट्रॉफी का फाइनल और टीम केकेआर की जर्सी का क्या लेना देना है? दरअसल दोस्तों बात ऐसी है कि टीम केकेआर चाहती है कि जर्सी नॉर्मली रिलीज ना की जाए, एक इवेंट हो और उस इवेंट के अंदर टीम केकेआर के कैप्टन मौजूद हो। वैसे दोस्तों अगर बात करें ना तो यहां पर 10 तारीख से चालू होगा टीम जो मुंबई है वर्सेस विदर्भ, यहां पर दोस्तों उनका फाइनल स्टार्ट होगा और वहां पर हमें 14th को उसकी एंडिंग देखने को मिलेगी, तो रणजी को उसका विनर तो मिलेगा ही। और 15 तारीख से ईडन गार्डन्स के ऊपर टीम केकेआर के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। तो अपडेट्स निकल कर आ रही है कि 15 तारीख से 18 तारीख के बीच टीम केकेआर एक फोटोशूट इवेंट करेगा जिसके अंदर आपको नई जर्सी रिवील होते हुए देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर सिर्फ नाम निकल कर आया है श्रेयस अय्यर का, बट वी बिलीव कि गौतम गंभीर और वाइस कैप्टन नीतीश राणा भी उस इवेंट के अंदर जरूर मौजूद होंगे फोटोशूट सेशन के अंदर। अगर 15 तारीख से थोड़ा लेट होता है 17-18 तारीख को, तो और भी बड़े बड़े सितारे आ सकते हैं। तो आप कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग जर्सी के अंदर क्या मेजर चेंजेस टीम केकेआर को करने चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग जो गोल्ड और पर्पल वाली जोड़ी है वो बेस्ट है, येलो पर्पल, या फिर ब्लैक और गोल्ड वाली जो जर्सी थी वो सबसे बेस्ट है।